गाजीपुर में रहने वाले बुजुर्ग ने खुदकुशी की नीयत से नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वो डूबने लगे तो उन्हें जिंदगी याद आने लगी, लिहाजा डूबते डूबते उस बुजुर्ग ने मरने का ख्याल दिल से निकाल दिया और खुद को बचाने के चक्कर में सरिया पकड़ लिया और वहीं पर लटक गए। ऐसे पहले जहर खाकर भी उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन उस बार भी वो बच गए थे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें गाजीपुर जिले के सदर कोतवाली इलाके के हमीद सेतु की है, जहां से परदेसी खरवार नाम के इस बुजुर्ग ने खुदकुशी करने के लिए छलांग लगा दी। अकेले की दो है बच कैसे गए यार, उतने ऊपर से गए सर, ये बच कैसे गया ऊपर से गया। बोले जिसको बचना है बच गया, वो बच गया। अरे तू सटावा यहाँ धीरे धीरे जाके अपने आप सटेगी ना, कुछ जा। हाँ वो इनको हम बचाने आए हैं, ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर किस लिए जा? एहसान कौन गाँव क्या हुआ? हाँ तो क्या हो? रसद रहो ना, पानी में भटक गया ना, पकड़ो चाचा रस्सा पकड़ो। खुदकुशी करने वाले परदेसी खरवार अपनी पत्नी की किचकिच से बहुत परेशान थे। रोज रोज के झंझट से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। आत्महत्या करने के लिए परदेसी ने हमीद पुल से गंगा नदी में छलांग भी लगा दी, लेकिन डूबते वक्त होने वाली तकलीफ से उन्हें डर लगने लगा और उन्होंने तुरंत ही मरने का फैसला बदल दिया। बस क्या था, परदेसी ने पुल के पिलर में लगे हुए सरिया को पकड़ लिया और कई घंटों तक यूं ही सरिया पकड़े हुए पानी में पड़े रहे। काफी देर के बाद मौके पर पहुंचे राहगीरों ने उन्हें रस्सी की मदद से बाहर निकाला। अरे कूद गए, बहुत बहुत टेंशन है तो क्या करें? टेंशन तो दुनिया में है, जे आई लो टेंशन में आई लो, जब ले जिए के तब ले सीए के है। अरे जे जिए के तो हम सोच रहे जिए दिया से तो हमने लेगा भगवान, तो अगर दो बार बचा लेना तो एक दिन साल से ये 2 साल हो गया। हां उसको सारी मने नहीं करती, हमारी औरतें में कमी है ज़्यादा, सबसे औरत में कमी है। वो बात की एक बार हमसे कह दे तो ठीक रहे, लेकिन वो कहते ना करती है सी माँ का बहुत तकलीफ हो गया। काहे कूद गए? अरे कूद गए हम तो, एक बार खा के भी मर बच गए, दवा खा गए मर गए बच गए, 5,000 लगा ठीक हो गए, ये दूसरा चांस। परदेसी के मुताबिक इससे पहले उन्होंने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन उस बार भी वो बच गए थे और इस बार डूबने से बच गए। फिलहाल परदेसी ने खुदकुशी करने का इरादा छोड़ दिया है और जैसे भी हो बस जिंदगी जीने का फैसला किया है। गाजीपुर से न्यूज़ 5 नेशन के लिए सलाउद्दीन बबलू की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ 5 नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।